ने आरोन में हुई दो लूट का किया खुलासा। पेट्रोल पंप पर संचालक से 7 लाख की लूट के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जिले में लगातार घटित हो रही लूटपाट की घटनाओं के बीच पुलिस ने आज अप्रैल मई में आरोन में हुई दो लूटों का खुलासा किया है। इन वारदातों को अंजाम देने वाले दो मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 1 लाख की नकली और 3.5 लाख रुपए कीमत वाली 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस भी साथ में मिला है। मामले में आज पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिन्हा ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोन में मई के महीने में गल्ला व्यापारी से लूट का प्रयास इन बदमाशों द्वारा किया गया था। व्यापारी बैग लेकर बैंक से घर लौट रहा था, इसी दौरान बदमाश ने उसके ऊपर हमला बोल दिया था। हालांकि बैंक से पेमेंट नहीं होने के कारण बैग खाली था। इससे पहले बदमाशों ने अप्रैल में पेट्रोल पंप संचालक जो SBI बैंक में राशि जमा करने के दौरान बदमाश उनसे बैग छीनकर भाग गए थे, जिसमें 6.95 लाख रुपए थे। घटना में कुछ आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी सूरज कुशवाहा और शिव कुमार उर्फ शिवा रघुवंशी सहित एक अन्य को आज गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के ऊपर विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज है। इनके पास से 1 लाख रुपए की नकदी सहित 3 मोटरसाइकिल सहित कुल 5 लाख कीमत का माल बरामद हुआ है। SP ने बताया कि अब तक लूट की घटनाओं का अंजाम देने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक आरोपी फरार है, जिसकी टीमों द्वारा खोजबीन की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी में SDOP राघोगढ़ श्रीमती दीपा डोडवे, आरोन थाना प्रभारी ब्रजमोहन सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक रविनंदन शर्मा, दीपक त्रिपाठी, जितेंद्र गुर्जर, दिग्लेश धाकर, रविंद्र रघुवंशी, जितेंद्र पाल सहित कई की सराहनीय भूमिका रही। जो प्रेस वार्ता आप लोग से आज की जा रही है, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड यह है, थाना आरोन में मई महीने में दो लूट, एक डकैती व एक लूट के प्रकरण कायम हुए, ठीक है। एक जो डकैती का प्रकरण है वो 30 मई 2024 का है। एक व्यक्ति जिनका नाम है व्यापारी है, गल्ला व्यापारी सुनील जैन, वो SBI में 17 लाख रुपये जमा किए थे चेक का भुगतान के लिए गए थे, तो उस समय कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से या किसी कारणवश से उनको पैसा नहीं दिया गया। बताया गया कि कुछ देर बाद आ पाइए, वो बैंक से निकल करके जा रहे थे, इसी रास्ते में उनको रोक करके 6-7 व्यक्ति उनका बैग छुड़ा लिया, ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसमें पैसा नहीं था, ठीक है। एक तो ये घटना थी, तो इसमें डकैती चूँकि ये उसी श्रेणी में आता है, कायम किया गया था। दूसरा जो है 15 अप्रैल की घटना है। 15 अप्रैल को पनवाड़ी हाट में पेट्रोल पंप संचालक है प्रवेश रघुवंशी, पुत्र स्वर्गीय बलवीर सिंह रघुवंशी, वो करीब 6,95,000 रुपया बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे, जो पेट्रोल पंप का पता था। तो बीच रास्ते में इनको फिर यही टीम जो टीम है गैंग है वो रोक करके इनसे लूट की वारदात घटित की, ठीक। इन दोनों में पहले भी 3 लोग 5/6/24 को, 2/6/24 को एक, और 2/8/24 को एक, 22/8/24 को एक, इस प्रकार से कुल 5 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे। 25/8 को फिर एक शिव कुमार और सूरज मोहन कुशवाहा, सूरज इसका मास्टरमाइंड है, यही लीड करता था, तो अभी हम लोग इसको छावड़ा से राजस्थान से अरेस्ट किए हैं, और इनके पास से कुल 1,500 रुपया कैश प्लस 3 मोटरसाइकिलें जो ये यूज़ किए थे हम वारदात में, 315 बोर पट्टा, एक जिंदा राउंड इनसे रिकवर किया गया है। व्याना के डूंगा सराहाड़ा में महिला को बंधक बनाकर लूट सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूट भागे बदमाश। गुना में सिलसिलेवार लूट, चोरी और डकैती की घटनाएं घटित हो रही है। बदमाश शहर से लेकर गांवों तक गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डूंगा सराहाड़ा का सामने आया है, जहां बदमाशों ने महिला को घर में बंधक बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। घटना मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात की है। मिली जानकारी के अनुसार डूंगा सरा के महेश शर्मा के मकान पर चोरों ने बीती रात धावा बोल दिया। सबसे पहले बदमाशों ने निशाने पर कमरे में सो रही महेश शर्मा की पत्नी आई,
बदमाशों ने उनका गला दबाया, चाकू मारकर कहा कि अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद बदमाशों ने महिला का मुंह और हाथ पर बांधकर अरमाली का ताला तोड़ा और उसमें रखे 20 तोले से ज्यादा सोना और 3 किलो चांदी और 30,000 नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाशों के भागते ही घर के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लगातार घटित हो रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं से आमजन में भय और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्याप्त हो रही है। जनप्रतिनिधि और नेता भी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रागौर में विधायक जयवर्धन सिंह ने पुलिस प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी कहा कि पिछले एक महीने के अंदर टेकरी पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ ही शहर भर में 20 से 25 चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी है, जो पुलिस प्रशासन के बेहद गंभीर चुनौती है। लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए तत्परता पूर्वक कार्रवाई करना जरूरी है। उन्होंने पुलिस से कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में चोरी और लूटपाट की घटनाओं पर विराम लगने के साथ ही चोरी की वारदातों का जल्दी खुलासा करें, जिससे पुलिस पर लोगों का विश्वास बना रहे। मैं सो रही थी पलंग पर, आकर मेरे उसी तो मुदा बा, मैंने एक चिल्लानी तो पैर बांधा मेरे हाथ बांधा और आकर फिर बता चुप हो रहा माँ का संग तुझे मार देंगे मार देंगे, इसके चाकू गड़ा इसको चाकू दे दे, चिल्लाए मत तुझे मार देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तेरा कुछ नहीं करेंगे, पोछी पत्थर नहीं आए हम कुछ लेने नहीं जाए, अलवारी तोड़ ले जी अलवारी है और जेवर निकाल लो कहाँ का लगा जेवर में चूड़ी हार मंगलसूत्र झाले बेंदी दो चैन है 4-5 अंगूठी और 5 जोड़ी कान के 1 किलो चांदी की मिठाई और 6-7 जोड़ी चैन है बिछिया पैसा वैसा पैसा तो 30,000 का मारा कुटी नहीं करी चल नहीं पाए तुम अंडरब्रिज बना, भैंसों का स्विमिंग पूल, राहगीरों को निकलने का इंतजार। ये दो तस्वीरें व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। एक तस्वीर में रेलवे अंडरब्रिज में भैंसे नहा रही है, जबकि दूसरी में राहगीर निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि कब मालगाड़ी हटे और उन्हें रास्ता मिले। दरअसल रशीद कॉलोनी बांसखेड़ी रेलवे अंडरब्रिज में बारिश के बाद जलभराव हो गया है, वहीं एक दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते रेलवे अधिकारियों ने अंडरब्रिज को आवागमन के लिए बंद कर दिया है। ऐसे में अब स्कूली बच्चे सहित आमजन को रेल पटरियों को पार कर जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर खासी नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। टेकरी पर डकैती के बाद एक चार का गार्ड तैनात, ट्रस्ट ने की थी मांग। टेकरी पर शनिवार रविवार के दरमियानी रात हुई डकैती के बाद अब टेकरी मंदिर की सुरक्षा में एक चार का गार्ड तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे यहां पुलिस की तैनाती रहेगी। दरअसल डकैती की वारदात के बाद टेकरी ट्रस्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक से टेकरी पर एक चार के गार्ड की तैनाती की गई थी, जिसके बाद SP ने यहाँ एक चार के पुलिस गार्ड की तैनाती कर दी है। ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल ने बताया कि टेकरी पर हुई चोरी के बाद हमने प्रेस वार्ता और फिर पत्र लिखकर पुलिस अधीक्षक से टेकरी मंदिर की सुरक्षा के लिए एक चार के गार्ड की मांग की थी, जिसके बाद यहां पुलिस की तैनाती कर दी गई। उल्लेखनीय है कि शनिवार रविवार के दैमनी रात आधा दर्जन बदमाशों ने टेकरी के गार्ड को बंधक बनाकर यहां डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश यहां से लाखों रुपए की चांदी के आभूषण और दान पेटियों में से नकद राशि चोरी कर लिए गए थे। इधर मंगलवार को पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी टेकरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, वहीं शहर में हो रही लगातार चोरियों पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। श्री सिसोदिया ने कहा कि पुलिस को जल्द चोरियों को खुलासा करना चाहिए। कलेक्टर ने सामान्य निर्वाचन शाखा का किया औचक निरीक्षण, आमने सामने दुरुस्त कराई बैठक व्यवस्था। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा आज सामान्य निर्वाचन शाखा और जनसुनवाई शाखा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कार्यालय में अपने सामने ही टेबल और फर्नीचर को व्यवस्थित कराया और अनावश्यक फाइल की वस्तुओं को निर्धारित स्थान पर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दीवारों पर लगाए गए अनावश्यक कागजों को हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी लेकर उसके अनुसार
बैठक व्यवस्था दुरुस्त कराई। आज निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, संयुक्त कलेक्टर महेश कुमार बमहना, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती जिया फातिमा भी उपस्थित रही। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस संगठन मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर कांग्रेस की समीक्षा बैठकें शुरू गई हैं। बुधवार को राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने राजीव गांधी कांग्रेस भवन में गुना ब्लॉक क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले 18 वार्डों से आमंत्रित पोलिंग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और संगठनात्मक गतिविधियों व भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करते हुए मार्गदर्शन दिया। विधायक जयवर्धन सिंह ने बताया कि गुना विधानसभा क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली थी, लेकिन किसी कारणवश लोकसभा विधानसभा चुनाव में सफलता का प्रतिशत अपेक्षाकृत नहीं रहा। इसके चलते कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कारणों को तलाश कर इन्हें सुधारने का काम करना चाहिए। इसलिए प्रदेश नेतृत्व ने शहरी क्षेत्र में वार्ड समितियां और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समितियां बनाने का निर्देशित किया, ताकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत किया जा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि लोगों से जुड़ने के लिए स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए। टेकरी डकौती से बढ़ रहा आक्रोश। गुना के टेकरी मंदिर पर हुई डकैती के मामले में एक बार फिर आक्रोश व्यक्त करते हुए जयवर्धन सिंह ने बताया कि जिले की कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है। इतनी बड़ी चोरी ने हम सभी को शर्मसार किया है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता और गंभीरता नहीं दिख रही है। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। इस तरह अगस्त और सितम्बर महीने में शासकीय कॉलेजों में हुई भर्ती है या नहीं, इस पर NSUI को संज्ञान लेना चाहिए। श्री सिंह ने जोर दिया कि कांग्रेस से नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, की संख्या बढ़ाई जाए। इसके बाद जयवर्धन सिंह ने शहर के 18 वार्डों से आए कार्यकर्ताओं और वार्ड प्रभारियों से चर्चा की। संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें पूरी क्षमता के साथ पार्टी को मजबूत बनाने का मंत्र भी दिया। जिससे कि कम से कम जिन लोगों ने हमारे लिए मतदान केंद्र पर काम किया था उनका हम आज तो हम जो शहर के एक ब्लॉक का हम सबसे चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में दूसरे ब्लॉक जो शहर के अंतर्गत आता है उनसे भी चर्चा करेंगे और एक दो दिन में अलग से जो पूरे हमारे ग्रामीण ब्लॉक है उनके बीच भी जाकर हम इसी प्रकार से एक बैठक लेंगे और इसमें आगे की हम रणनीति बनाएंगे। मेरा आप सबसे ये भी आग्रह है कि आने वाले समय में नए लोगों को कांग्रेस में जोड़ने के लिए हमें कुछ नए अभियानों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि कल ही आपने देखा होगा रावगढ़ में भी हमारे प्रदर्शन था। बात सिर्फ रावगढ़ की नहीं है, गुना में भी इतनी बड़ी चोरी हुई है जिसके द्वारा देखा कि हम सब संसार हुए। टेकरी सरकार जिनके प्रति सभी की आस्थाएं जुड़ी हुई वहां इतनी बड़ी लूट हुई है जो समझ के परे कहीं ना कहीं वर्तमान में जो पुलिस प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए, जो उनमें गंभीरता होनी चाहिए वो कहीं नहीं दिख रही और इन मुद्दों को लेकर हमें भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जाना चाहिए कि हमारा दायित्व बनता है। तो इस बारे में भी जब हम वार्ड वाइज मीटिंग करेंगे ऊपर तो इसमें भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये संदेश कि कानून व्यवस्था पूरी आज तक फेल हो चुकी है, ये संदेश पर घर तक कैसे जा सकता है इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए अभी इस अगस्त सितंबर महीने में प्रतिवर्ष नई भर्तियां कॉलेजों में होती है, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत नए वर्ष में जो बच्चे आते हैं पहले वर्ष में एडमिशन लेते हैं सितंबर से उनकी पढ़ाई चालू होती है। मैंने कहा भी है जिलाध्यक्ष जी को कि इस पर भी हम जितने भी कॉलेज गुना में है, रावण में है, आरवण में है, मुंबई तरफ है, वहां म्याना तरफ है, वहां पर भी हमारी युवाओं की टीम कॉलेज में हर क्लास में जाए, उनसे चर्चा करें और नए सदस्य हमारे कांग्रेस परिवार से जुड़े। कृष्ण जन्मोत्सव का अभ्युदय क्लब द्वारा रंगारंग कार्यक्रम युगल नौका विहार
का आयोजन शहर के एक निजी होटल हेमलिन में किया गया, जिसमें कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नौका विहार करते हुए रासलीला करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में 5 टोलियां चित्रा, ललिता, सुदेवी, विशाखा, इंदुलेखा बाई की गई। इसके बीच मटकी फोड़ प्रतियोगिता और नौका सजाओ प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब की सभी महिलाओं सदस्यों के बीच बहुत ही उत्साह देखा गया। विजेता महिलाओं के में बेस्ट हेयर स्टाइल में गीतू अग्रवाल, बाबरी छोरी में प्राची बंसल और बेस्ट गोपी में पूजा खंडेलवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टोलियों में सुदेवी टोली जिसमें रुचि अग्रवाल, नीतू अरोड़ा, सोनिया जैन, ऋतु प्रेमी, सुचि अग्रवाल और रेणु अग्रवाल विजेता रही। कृष्ण की भूमिका में नेहा तायल, रेणु अग्रवाल, यशा जैन और सीमा शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस अवसर पर क्लब के संस्थापक श्रीमती रेणु अग्रवाल, अध्यक्ष श्रीमती रेना जैन, सचिव शुभिका विजयवर्गीय और कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रांजल जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संयोजक स्मिता रघुवंशी, रीना रघुवंशी और नंदिनी रघुवंशी को कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता के निर्देश पर आज अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता और मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव द्वारा सिंध फिल्टर प्लांट पर एनिकेट का निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि विगत दिनों समाचार पत्रों में गंदे पानी की शिकायतों के संबंध में समाचार प्रकाशित हो रहे थे। इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान फिल्टर प्लांट पर पूर्णतः शुद्ध पानी फिल्टर किया जाना पाया गया। अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने बताया कि सिंध स्थित फिल्टर प्लांट पर सिंध से प्राप्त हो रहे पानी को पूर्णतः शुद्ध किया जाकर स्वच्छ पानी और शहरवासियों के लिए प्रदान किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। जिन क्षेत्रों में गंदा पानी आ रहा है वहां पेयजल लाइन को दुरुस्त करवा दिया गया है, जिससे गंदे पानी की समस्या से मुक्ति मिल गई है। मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ने वाला रास्ता इन दिनों खस्ता हाल में है। इस सड़क के हाल बेहाल है। बिनागंज चाचूड़ा से होते हुए राजस्थान के मनोहर थाना जाने वाले रोड की हालत बहुत ही खराब है। बारिश के मौसम में कीचड़ और पानी रोड पर भर जाता है, आए दिन गाड़ियां यहां फंस जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के समय हुआ था और वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही बताया गया है कि कुछ समय पहले ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, पर यहां पर सड़क आधी अधूरी बनाकर चले गए, जिसके कारण अब बारिश के मौसम में रोड से गुजरना मुश्किल हो रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि राजस्थान के कामखेला में श्री बालाजी हनुमान मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर मध्य प्रदेश के सैकड़ों श्रद्धालु मंगलवार और शनिवार के दिन आते जाते रहते हैं। साथ ही अन्य दिनों में राजस्थान के मनोहर थाना, झालावाड़, इकलेरा, कोटा के लिए भी आवागमन बना रहता है, पर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही अभी तक किसी ने ध्यान दिया, जिस वजह से रोजाना राहगीर यहाँ परेशान हो रहे हैं। नगर बीनागंज में राधा कृष्ण मंदिर पर किन्नरों को बधाई देने के साथ साथ सेवन स्टार ग्रुप और अन्य भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण की। जानकारी के लिए बता दें कि नगर बीनागंज में मेन बाजार में राधा कृष्ण मंदिर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के जन्म के अगले दिन किन्नर बधाई देने के लिए आते हैं। देर रात तक बधाई के गीतों के साथ साथ डांस का प्रदर्शन भी किन्नरों के द्वारा यहाँ किया जाता है। जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता 1 सितंबर को मध्य प्रदेश योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन 1 सितंबर को जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। वहीं राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को खेलो इंडिया नेशनल गेम्स योगासन प्रतियोगिता में खेलने का अवसर प्राप्त होगा। जिला योगासन फेडरेशन के अध्यक्ष कृष्ण योगेंद्र सिंह और सचिव सुधा त्रिवेदी ने बताया कि जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता 1 सितंबर रविवार को उत्कर्ष विद्यालय में रखी गई है। ये प्रतियोगिता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी योग के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। योगाचार्य महेश पाल ने बताया कि ये प्रतियोगिता 5 इवेंट में कराई जाएगी, जिसमें ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक सिंगल, आर्किटेक्टर पेयर, आर्टिस्टिक ग्रुप, रिदमिक पेयर शामिल है। प्रतियोगिता में 10 साल से लेकर 55 साल तक के प्रतिभागी हो, जिसमें सब जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग को शामिल किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अंक सूची की फोटोकॉपी, एक फोटो साथ में लेना होगा। प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, गूगल फॉर्म और ऑफलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उत्कृष्ट विद्यालय में किया जाएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश योगासन फेडरेशन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी होने वाली है,
और अभी जिले स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। उसी क्रम में हमारे गांव में 1 सितंबर को रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय में ये प्रतियोगिता सम्पन्न होगी, योगासन प्रतियोगिता, जो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगी। इसमें सभी प्रतिभागी भाग लेकर इस प्रतियोगिता से सिलेक्ट होकर जिले स्तर से सिलेक्ट होकर स्टेट में पहुँचेंगे और स्टेट से सिलेक्ट होकर नेशनल और खेलो इंडिया तक जाएंगे। तो मध्य जो जिला डिस्ट्रिक्ट योगासन फेडरेशन की अभी हाल ही में बैठक सम्पन्न हुई है सुशांता पार्क में, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया सबसे मुझे से कि हमारे गुना के जितने भी योग के जो योग साधक साथ में हैं, जो योग के खिलाड़ी हैं, वो सभी योग में आगे बढ़ें और योग के द्वारा मेडल जीते और गुना का ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश का भी और नाम रोशन करें। जिसमें इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 5 इवेंट कराए जाएंगे, जो इसमें एज कैटेगरी जो है वो 10 साल से लेकर 55 साल तक है और सभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं उसी दिन प्रतियोगिता के दिन तो आप अधिक से अधिक संख्या में जो भी योग के एथलीट हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिल्कुल इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण का कर्णव्रंतो विश्राम मार्य का उद्घोष, भारत की विश्व विजय का बनेगा संघोष पंडित तुलसीदास दुबे। आर्य समाज में मना श्री कृष्ण जन्मोत्सव, आर्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र के लिए सदाचार सद्य विचार के सतत प्रेरणा पुंज है, जिन्होंने अपने जीवन में त्रिकाल संध्या वेद स्वाध्याय परहित चिंतन सज्जनों का संरक्षण दुष्टों का दमन मात्र पितृ भक्ति सामाजिक समरसता बंधुत्व प्रेम और संभाव और समव्यवहार के आदर्शों को अपने जीवन में निर्वहन कर वैदिक मर्यादाओं और शिक्षाओं की अनुकूल जीवन जीकर वेद आधारित समाज व्यवस्था की रचना कर धर्म की स्थापना की है। राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण के अग्रणी क्रांतिकारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्था आर्य समाज के संस्थापक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को आप्त पुरुष बताते हुए उन्हें सनातन आर्य हिंदू संस्कृति और वैदिक धर्म का ध्वज वाहक कहते हुए उनके जीवन को प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय बताया है और कहा कि इस महान भरत भूमि आर्यव्रत का पुनरोदय श्री कृष्ण के आदर्शों का अनुसरण करने से ही होगा। उक्त ओजस्वी विचार आज आर्य समाज मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रवचन में संस्कार शिविरों के माध्यम से समाज जागरण के कार्यों में अनवरत लगे वैदिक विद्वान पंडित तुलसीदास दुबे ने व्यक्त किया। पंडित दुबे ने इस अवसर पर सभी सनातन धर्मियों से धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहकर सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण की मात्र पूजा और रासलीला कथाओं में नाच गान बड़े बड़े मंदिर निर्माण रथ यात्रा भंडारों में धन समय और ऊर्जा व्यय करने की अपेक्षा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आत्मसात कर धर्म संस्कृति और राष्ट्र की मानवता में रक्षण हेतु उनकी तरह की धर्म योद्धा बनने की लगानी चाहिए ताकि विधर्मी आकृताओं के हमलों का प्रचंड प्रहार कर भारत सहित विश्व में अपने परिवार समाज देश धर्म और अपने संसाधनों की रक्षा करने में सक्षम बन सके। इससे पूर्व आर्य समाज गुना के प्रधान पंडित विष्णु प्रसाद पंचोली ने सभी का चंदन से मंगल तिलक कर भगवा अंगवस्त्र से स्वागत किया। कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए आर्य समाज के मंत्री पंडित हरिदत्त शर्मा ने बताया कि आर्य समाज भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर के सच्चे पराक्रमी योद्धा के स्वरूप को समाज के सामने रखकर उनका जन्मोत्सव मनाता है, जिसमें लोक मंगल राष्ट्र समृद्धि और भारत के जन जन में जाति बिरादरी मध्य पथ धनवान निर्धन ऊंच नीच छोटे बड़े के संकीर्ण विचार के ऊपर उठकर अखंड राष्ट्र भक्ति की भाव जागरण की उत्तम भावना से वेदों में वर्णित रोहिणी नक्षत्र के विशेष मंत्रों के 51 जोड़ों ने पंडित श्रीधर शर्मा की आचार्य में सपत्नी के यज्ञ में आहुतियां दी। यज्ञ के उपरांत शंख ध्वनि वेद ध्वनि के मध्य सुमधुर वाद्य यंत्रों के साथ श्री कृष्ण की सामूहिक स्तुति के साथ श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। वैदिक शांति पाठ सर्व मंगल कामना के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर विनय शास्त्री और राहुल गोस्वामी और आभार मनोज सोनी ने व्यक्त किया।